Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Murad Sayyid, aapko, aapki NHA ki team ko, sabko aaj main khiraj tahseen pesh karta hoon ki ye ek aapne nayi soch leke aaye hain Pakistan mein ki hum apne abhi tak sirf development funds ko istemal karte hain sadke banane mein aur hospitalon aur schoolon mein, lekin वो क्योंकि वो महदूद होता है, इसका मतलब कि हमारी डेवलपमेंट भी बड़ी महदूद होती है। ये जो आपने आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट, अहम इसलिए कि ये वो इलाका है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये इसको बल्कि हम इसको ट्राइंगल कहते हैं, वो ये गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात, सियालकोट, ये वो ट्रायंगल है जिसमें सबसे तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो सकते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर कभी भी पाकिस्तान में वो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी जो होनी चाहिए इस मुल्क के, कि जो हमारे पे कर्जे चढ़े हुए हैं इनको उतारने के लिए, जब तक मुल्क में दौलत में इजाफा नहीं होगा, मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, हम ये कर्ज़े नहीं उतार सकते। तो वो इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम इंसेंटिवाइज करें अपने जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। और ये जो आपने इसकी रूट बनाई है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये पाकिस्तान के मेन पॉपुलेशन सेंटर्स को टच कर रही है, और पॉपुलेशन सेंटर के अलावा जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, जो पोटेंशियल है जो हमें ग्रो करने का। और दूसरा, अगर ये जब आप कंप्लीट करेंगे, और आपने कहा कि परमिशंस की ज़रूरत है, ये आपने प्लीज़ मेरे पास आना है और बताना है कि किधर किधर आपकी चीज़ें फंसती हैं और ये क्यों इतनी देर लगती है। क्योंकि हमारा सारा इस वक्त जोर ये है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी बिजनेस के लिए उसको बढ़ाया जाए, तो हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ी रुकावट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटी सनत होती है, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन हमने ये देखा कि उसके सामने इतनी रुकावटें डाली हुई हैं कि उससे कामयाब होना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये सारी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं रुकावटें दूर करने के लिए। तो आपके भी रास्ते में ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो रुकावटें हैं, आपने प्लीज़ हमें PM ऑफिस को बताना है और हम इंशाल्लाह ये आपकी दूर करेंगे। तो ये जब कंप्लीट हो गया और 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया जो कि पुराना मोटरवे और इसमें, आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि इससे मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा है। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ियों के जाने का मतलब कि हर गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल का खर्चा है। और ये याद रखें कि ये हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं कि खर्चा ज़्यादा, ये इंपोर्टेड फ्यूल है, इसका मतलब कि हमारे डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं। तो और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि जो गाड़ियों की वेयर एंड टेयर होती है, जब वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो उसके पुर्जों के, वो उसकी गाड़ी की एक लिमिटेड टाइम है कि कितने मील कर सकती है गाड़ी। तो 100 किलोमीटर को लगा लें अब आप कि 20 साल में कितना खर्चा आया होगा इस मुल्क का, 20 साल में कितनी गाड़ियां गईं, कितनों ने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्चा किया, उनके ऊपर जो उनके पुर्जे जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि अकल तो ये कहती है कि मोटरवे जिधर आपका सारा ट्रैफिक जाना चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक तो मोटरवे पे जाता है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा ट्रैफिक, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वैसे भी जो आदमी की जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई। तो ये वो जो गलती की गई थी, क्योंकि असल में तो यहाँ मोटरवे बनना चाहिए था, उधर ड्यूल कैरेज वे बना देते, एक दो सड़कें बना देते, लेकिन मोटरवे बनाना वहाँ
ये मुल्क को ये कभी इसकी सही माने में इसको असेस किया जाए कि कितना हमें नुकसान हुआ है अब तक। और ये वो अब इंशाल्लाह दो साल में आपने टाइम दिया है कि पहला फेज़, और इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी आपका प्रोसेस करेंगे क्योंकि बड़ा वाइबल प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब ये कि आप वो इस मुल्क में बड़े पैसा बचाएंगे भी, एरियाज़ को भी प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को भी कनेक्ट करेंगे, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। और फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट फंड है वो हम फिर भी बचा लेंगे, हम प्राइवेट कैपिटल लेके आएंगे इसको, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसका मतलब कि जो हमारे पास डेवलपमेंट फंड्स हैं वो और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने एक और भी बड़ी अच्छी बात कही कि कंपेटिटिव बिडिंग की वजह से 12 अरब का कितना, 40 अरब में से 26%, हाँ 26% सेविंग हुई है इसकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसकी भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए उसकी हमेशा सोचना चाहिए कि मुल्क को उसका क्या फ़ायदा है। तो इसके तो फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए, लेकिन जो मुझे जो प्रोजेक्ट बहुत कामयाब और हम बड़ा फ़ख्र है, हमारी गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में उन्होंने एक्सिक्यूट किया था, स्वात मोटरवे। आज अगर स्वात मोटरवे के आप फ़ायदे देखें, उसने जो खोल दिया स्वात को, ईद के दौरान, ईद की छुट्टियों में 27 लाख गाड़ियां गई हैं वहाँ उस मोटरवे को इस्तेमाल, 27 लाख। अब ये सोचें कि इसके ऊपर किस तरह का पैसा जनरेट हो सकता है इकॉनमी के अंदर। हमारे पास जो आबादी है हमारी 22 करोड़, इसको हम फ़ायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बोझ नहीं बनना चाहिए इस आबादी को, ये अगर हम अकल से काम लें तो यही आबादी हमारा फ़ायदा करवा सकती है। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो तब आते हैं जब ट्रैफिक इतना हो, तब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है उसके अंदर। तो हमारे पास तो 22 करोड़ लोग हैं, हम तो बड़ी एरियाज चुन सकते हैं जिधर हमें अपने डेवलपमेंट फंड्स बचाने चाहिए और हमें प्राइवेट कैपिटल लाना चाहिए। और अभी तो शुरू हुआ है, इसको देख के आप इंशाल्लाह देखेंगे कि और भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी इसके अंदर। मैं जो आपने अगले प्रोजेक्ट्स की बात की, पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म है ये एक इतना बड़ा शोबा है जो बिल्कुल डेवलप नहीं किया हमने, और इसमें जो अभी तक तो सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म हमें नज़र आ रही है। तो जो आपने अगले प्रोजेक्ट्स बताए, स्वात मोटर को दीर पे लेके जाने का, फिर दीर से आगे चित्राल और वो कनेक्ट करना गिलगित, अगर ये मोटरवे बन गया तो उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में एक तो जो इससे वेल्थ क्रिएशन होगी, बाहर से टूरिज्म आएगी, बाहर से टूरिज्म का मतलब कि डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो जैसे ही हमारी इकॉनमी बढ़नी शुरू होती है डॉलर की कमी हो जाती है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, जब इम्पोर्ट्स बढ़ाते हैं तो हमारा क्राइसिस हो जाता है, IMF के पास जाना पड़ता है, डॉलर कम हो जाते हैं। तो डॉलर्स बढ़ाने के लिए टूरिज़्म एक बहुत बड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन टूरिज़्म, ये दो एरियाज हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएँ और टूरिज़्म के ऊपर करें शॉर्ट टर्म में, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो ये शोबे हैं जिधर से हम, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल पर नहीं पहुँचती तो हम अपने मुल्क में ये जो डॉलर गैप है, जिधर कम डॉलर का डेफिसिट है, वो हम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए ये जो आप मोटरवेज आगे आपने प्लान किया हुआ है, स्वात से दीर और दीर से ऊपर चित्राल और चित्राल से गिलगित, ये सारी चीज़ें टूरिज़्म वेल्थ क्रिएट करेंगी पाकिस्तान के अंदर। और जो आपने इतने थोड़े वक्त पर इतने NHA ने काम किए हैं, आपने जो भी फिगर्स बताई कि वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है ये वैसे फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहिए, कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज़्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं, और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उसे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और फिर से मुबारक और खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको।